वेलकम टू वर्षास किचन। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ, काजू मखाना करी। ये आपने शादी पार्टियों में जरूर खाई होगी। आज इसे हम घर पर बनाएंगे, वो भी 10 मिनट में। काजू मखाना करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मखाना, 1 छोटी कटोरी काजू, 4 चम्मच मलाई। मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 कप तेल और थोड़ी सी हींग, 250 ग्राम टमाटर, 1/2 कटोरी काजू जो मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिए थे, 1 प्याज, 2 अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च। पहले हम इनका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने टमाटर और काजू का पेस्ट तैयार कर दिया है। सबसे पहले हम काजू और मखाना को फ्राई करेंगे। तेल डाल देंगे। पहले हम तेल में काजू फ्राई कर लेंगे। काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हम मखाने को फ्राई कर देते हैं, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मखाना हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। पहले जीरा डालेंगे, हींग डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसे डाल देते हैं। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, देखिए तेल बाहर आ रहा है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसमें मलाई डाल देते हैं 2 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। काजू और मखाना डाल देते हैं। अब इसको हम 4 मिनट स्लो गैस पर ढक के पकाएंगे तो हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। सब्जी तैयार है, इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए,